नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जियोग्राफी क्लास 11 आज का अपना टॉपिक है भारत के अपवाद। आज अपने भारत के अपवाद तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अपवाद का अर्थ क्या है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जल का जो प्रवाह होता है उसे क्या बोलते हैं? अपवाह बोलते हैं। यानी जो निश्चित वाहिकाएं होती है उनके द्वारा जो जल का अपवाह होता है उसको क्या कहा जाता है? अपवाह कहा जाता है। तो भारत के अंदर विभिन्न छोटी बड़ी जो नदियां हैं उनके माध्यम से जल का प्रवाह होता है, जल का अपवाह होता है, उनके बारे में अपने पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन सी छोटी बड़ी नदियां हैं, उन नदियों के जो प्रमुख अपवाह तंत्र है, उनमें जो जल प्रवाहित होता है, उन नदियों के बारे में आज अपने अध्ययन करने जा रहे हैं। भारत के अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल हैं। ये तीन बड़ी भू आकृतिक इकाइयों की उद विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति व लक्षणों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। यानी हमारी जो नदियां हैं वो हमारी भू आकृतिक जो इकाइयां हैं उनके उद विकास से और जो वर्षण है वर्षा के माध्यम से जो इन निश्चित जो वाहिकाएं होती है जो हमारी नदियां हैं ठीक है, इनके माध्यम से जो जल प्रवाह भारत के धरातल पर हो रहा है उसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। भारत के अपवाह तंत्र को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। तो कौन कौन से वर्ग हैं, कौन से अपवाह में कौन कौन सी नदियां सम्मिलित हैं, उन सब के बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। तो पहला जो अपवाह तंत्र है वो है हिमालयी अपवाह तंत्र। यानी हिमालय से निकलने वाली, भारत के हिमालय क्षेत्रों से निकलने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है, उन नदियों के बारे में अपने चर्चा करें। हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास की लंबी अवधि में विकसित हुआ। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी, द्रोणिया शामिल हैं। यानी हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है? एक तो है सिंधु नदी, दूसरी कौन सी है? गंगा नदी, और तीसरी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। यानी ये मुख्य द्रोणियां हैं जो कहां से इनका उद्भव हुआ है, हिमालयी क्षेत्रों से ये नदियां निकलती है क्योंकि ये बर्फ के पिघलने व वर्षा दोनों पर आश्रित हैं। ये जो नदियां हैं ये बर्फ के पिघलने व वर्षा पर आधारित नदियां हैं जो कि बर्फ के पिघलने से ये प्रवाहित होकर भारत के क्षेत्रों में इसका जो जल है वो प्रवाहित होता है। कौन कौन सी नदियां हैं हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली? सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। किस पे आधारित है? बर्फ के पिघले हुए जल पे और वर्षा पे आधारित ये नदियां है। हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया से निर्मित गहरे महाखंडों से नदियां गुजरती है। महाखंडों के अलावा ये नदियां अपने पर्वतीय भाग में वी आकार की घाटियां, जब ये पर्वतों से चलती है तो वी आकार की घाटियां बनाती है और छिप्रिकाएं व जलप्रपात यानी ये आकृतियां बनाती है, भू आकृतियां जिसमें वी आकार की घाटियां हैं, छिप्रिकाएं हैं, जलप्रपात है, इस प्रकार की आकृतियां बनाती हुई ये धरती है पर्वतीय क्षेत्रों में जो महाखंड है
उनसे जब गुजरती है तो भी अकाल की घाटियां छिप्रिकाएं और जलप्रपात बनाती भी गुजरती है। जब ये नदियां मैदानी भाग में प्रवेश करती है, भारत का जो मैदानी भाग है उत्तरी भाग, वहां पे प्रवेश करती है तो अनेक निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां, यानी उन क्षेत्रों में ये क्या करती है, अनेक निक्षेपणात्मक आकृतियां, यानी अपने साथ जो उपजाऊ मृदा है वो बहाकर लाती है, और मैदानी क्षेत्रों में उनका क्या हो जाता है, निक्षेप हो जाता है, जमाव हो जाता है। और समतल घाटियां, समतल घाटियां, समतल घाटियां भी निर्मित करती है। गोखुर जिलों का भी क्या करती है, ये निर्माण करती है गोखुर जिले और बाढ़ग्रस्त मैदान, बाढ़ग्रस्त मैदानों का भी निर्माण करती है। गुंफित वाहिकाओं का भी निर्माण करती है, यानी ये नदियां उत्तरी हिमालय क्षेत्र से चलती है और महाखंडों में वी आकार की घाटियों का छिप्रिकाएं जलप्रपात, इसके बाद में ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वहां पे क्या है, निक्षेपणात्मक आकृतियां, ठीक है, और समतल घाटियां, गोखुर झील, बाढ़ग्रस्त मैदान, गुंफित वाहिकाओं का निर्माण करती हुई चलती है। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों के टेढ़ा मेढ़ा जो रास्ता होता है हिमालय क्षेत्रों में इस नदियों का, ठीक है, वो क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, हिमालय क्षेत्रों से ये अनेक महाखंडों का निर्माण करते हुए उत्तरी मैदान में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करती है। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में इन्हें सर्पाकार मार्ग में, ठीक है, मैदानी जो क्षेत्र है, जब ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इसकी आकृति क्या होती है, सर्पाकार होती है। कैसी होती है, सर्पाकार होती है। और अपना रास्ता परिवर्तित करती रहती है, बिहार का शोक कहलाने वाली कोसी नदी अपना रास्ता परिवर्तित करती है। नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी क्षेत्रों में ये जमा कर देती है, इससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिसके फलस्वरूप नदी अपना मार्ग भी क्या करती है, परिवर्तित कर लेती है, बदल देती है। अब इसके जो प्रमुख अपवाद अंतर है, प्रमुख अपवाद तंत्र, पहला है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी जो तंत्र है इसके अंतर्गत इसमें कौन कौन सी नदियां हैं, इसमें झेलम, दूसरी है चिनाब, इसके बाद तीसरी है रावी, यानी इस तंत्र में सिंधु जो नदी है इस तंत्र में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, और सतलज, ये नदियां सम्मिलित हैं। सिंधु नदी का तंत्र है उसमें कौन कौन सी नदियां आती है, एक तो झेलम नदी है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, और सतलज नदी है जो इस तंत्र के अंतर्गत आती है। दूसरा है गंगा नदी तंत्र, यानी गंगा नदी का जो तंत्र है उसमें कौन कौन सी नदियां सम्मिलित है, यमुना चंबल घाघरा, दूसरी है चंबल, तीसरी है घाघरा, और इसके बाद में है दामोदर शारदा, कोसी, दामोदर
ये गंगा नदी जो तंत्र है उसकी प्रमुख नदियां हैं, यमुना है, चंबल है, घाघरा है, कोसी है, दामोदर है, शारदा है। इसके बाद में आती है ब्रह्मपुत्र, तीसरी जो है वो है ब्रह्मपुत्र। यानी ब्रह्मपुत्र में कौन कौन सी नदियां सम्मिलित हैं, इसमें है दिबांग, लोहित, धनश्री, और कालांग सुबनसिरी, ये नदियां ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में सम्मिलित हैं। यानी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं, दिबांग है, लोहित है, धनसरी है, कालांग है, सुबनसरी है, ये नदियां। तो तीन प्रमुख जो नदी तंत्र है हमारे भारत के, अपवाद तंत्र उसमें सिंधु नदी तंत्र है, उसमें कौन कौन सी नदियां हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है। गंगा नदी जो तंत्र है उसमें कौन कौन सी नदियां हैं, यमुना है, चंबल है, घाघरा है, कोसी है, दामोदर है, शारदा है। ये नदियां इन तंत्रों के अंदर सम्मिलित है। ब्रह्मपुत्र में दिबांग, लोहित, धनसरी, कालांग, सुबनसरी, ये नदियां सम्मिलित है। इसके बाद में दूसरा जो तंत्र है अपना वो है प्रायद्वीपीय। ये तो हमने हिमालयी जो भाग था, हिमालयी तंत्र के बारे में पढ़ा। इसके बाद दूसरी जो भारत की नदियां हैं वो है प्रायद्वीपीय भाग में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, उन नदियों के बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो दूसरा जो भाग है इसका भारत में, जो प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, उसके जो नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा है भारत की प्रायद्वीपीय नदियां, यानी भारत की प्रायद्वीपीय नदियां कौन 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 सी है। यानी भारत का कुछ भाग है जो तीनों ओर से क्या है, जल से घिरा हुआ। यानी भारत का जो पूर्व पश्चिम दक्षिण भाग है वो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, इस कारण इस भाग को प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है। इस भाग में जो नदियां प्रवाहित होती है, जो नदी तंत्र है उसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। हिमालयी अपवाह तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र क्या है, प्राचीन है। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ अवस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से स्पष्ट होता है। पश्चिम तट के पास स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियों से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। यानी भारत के एक तरफ क्या है, अरब सागर है, और एक तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो इस जो प्रायद्वीपीय जो भारत है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो नदियां हैं उनका जल क्या है, एक तरफ अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां होती है जिनका जल क्या है, अरब सागर की खाड़ी में गिरता है, एक जो बंगाल की खाड़ी है उसमें जो इनका जल गिरता है। तो इन नदियों के बारे में अपने जानेंगे। नर्मदा तथा तापी नदियों के अलावा अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकांश जो नदियां हैं वो क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी, यानी इसके जो उत्तरी भाग में कौन कौन सी नदियां भारत में प्रवाहित होती है, उन नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली है चंबल सिंधु बेतवा केन, चंबल सिंधु बेतवा केन, बेतवा केन, ये जो नदियां हैं ये भारत के उत्तरी भाग से प्रवाहित होती है और पश्चिम में क्या है, सोन नदी है, पश्चिम में सोन नदी प्रवाहित होती है। प्रायद्वीप के अन्य मुख्य नदी तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। इसके अलावा महानदी, गोदावरी,
महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। यानी भारत में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं वो चंबल है, सिंधु है, बेतवा है, केन है, पश्चिम है, सोन है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं। ये एक सुनिश्चित मार्ग पर प्रवाहित होती है तथा विसरप नहीं बनाती है। ये केवल वर्षा ऋतु में प्रवाहित होती है, वर्ष काटियों में प्रवाहित होने वाली नर्मदा और तापी नदियां इसका अपवाद है। अब प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियां कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी तथा लूणी नदियों को शामिल किया गया। यानी जो अपना प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है भारत का, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में क्या है, कौन कौन सी नदियां बहती है उनके बारे में, इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, नर्मदा और तापी तथा लूणी नदियां हैं जो भारत की प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा। भारत के जो अपवाह तंत्र है, यानी जो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह कहा जाता है। और जो भारत का अपवाह तंत्र है इसके दो भागों में बांटा गया है। एक तो हिमालयी अपवाह तंत्र है, हिमालय क्षेत्र से जो नदियां कौन कौन सी निकलती है, प्रवाहित होती है, उनके बारे में अपने चर्चा की। दूसरा जो भाग था वो था प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है भारत का, यानी जो दक्षिण पूर्व और पश्चिम जो क्षेत्र है भारत का, ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, उन सब नदियों के बारे में आज हमने चर्चा की। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।